नमस्कार, मैं खेसारी लाल यादव और आप सब ढेर सारा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा। भोजपुरी में कोई ऐसा स्टार पैदा नहीं है, पावर स्टार पैदा नहीं है कि खेसारी भाई का रिकॉर्ड तोड़ दे। भाई पवन सिंह का गाना आया है जिसका नाम है याद आती नहीं। अब बोलने में ये आ रहा है कि भैया एक घंटे के अंदर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला गाना बन चुका है, उसी को क्लियर कर देंगे आज इस वीडियो में कि भैया पवन सिंह का गाना नहीं है मोस्ट लाइक सॉन्ग एक घंटे के अंदर। कोई और गाना भी है खेसारी लाल का जो वो रिकॉर्ड तोड़ना अच्छे अच्छे की बात नहीं है। अब भैया देखो, हम किसी का वाद विवाद नहीं कराना चाहते, हम किसी को गलत नहीं बोलना चाहते। हमारे वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं, हमारे फेसबुक पे आके मैसेज कर रहे हैं कि अब देख लो पवन सिंह का रिकॉर्ड इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि जो एक घंटे के अंदर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला गाना बन चुका है। तो भैया ना है वो गाना है ये नहीं है, उसका गाना का मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। और खेसारी भाई का गाना एक आया था आज से 4-5 महीने पहले, जो भी है वो गाने पे लाइक्स देखा जाए, व्यूज देखा जाए, तो वैसा रिकॉर्ड अभी तक भोजपुरी में कोई बना नहीं पाया है। वो है खेसारी लाल के नाम पे वो रिकॉर्ड। और यही इसी के मतलब टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भैया वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाओगे आप सब, और वही जो है टॉपिक आज कवर कर रहे हैं इसमें। और जो भी पवन सिंह के फैन हो, आप लोग पवन सिंह का वीडियो देखते हो, पवन सिंह आपके हीरो हैं, तो भैया वीडियो ना देखो, आपके लिए वीडियो नहीं है, आपकी जल जाएगी, फट जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आप सबकी जो है बहुत अच्छे तरीके से फटती है, क्योंकि आप लोग वीडियो में आते हो क्या करने, डिसलाइक करने, रिपोर्ट मारने और कमेंट में गाली करने। दम है तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, और जो बात बोल रहा हूँ गौर से सुना करो कि आखिर बोल क्या रहा हूँ, आखिर क्यों बोल रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है। जानते हैं पवन सिंह अच्छा गाते हैं, पवन सिंह अच्छा एक्टिंग करते हैं, पवन सिंह सुपरस्टार है, लेकिन भैया सुपरस्टार का भी एक बाप होता है कि उस बाप से टक्कर नहीं ले सकते। तो भैया ऐसा भी भोजपुरी में कोई है जिसका रिकॉर्ड जो है तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अब भाई मैं बता रहा हूँ, खेसारी भाई का गाना आया था आज से 5-6 महीने पहले, नाच की मलकिनी, ठीक है। अब दोनों गाने का मैं कंपेयर करके अभी दिखा दे रहा हूँ कि भैया दोनों गाने में क्या डिफरेंस है, क्या सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं, क्या डिसलाइक मिले हैं। तो भैया अभी जो देखा जाए, याद आती नहीं गाना जो आया है पवन सिंह के, उस पे देखा जाए तो भैया 22 मिनट में 20,000 व्यूज है, आप देख सकते हो। और उस पे लाइक्स देखा जाए तो 24,000 लाइक्स है, ठीक है। ये है पवन सिंह के एक मतलब 22 मिनट के व्यूज और लाइक्स। वहीं पे नाच की मलकिनी आई थी खेसारी लाल यादव का एक टाइम में, एक 4-5 महीने पहले, तो भैया उस पे 11 मिनट में आप देख सकते हो 11 मिनट में 100K लाइक्स है, मतलब 1,00,000 मतलब 1,00,000 से ऊपर लाइक्स मतलब व्यूज आ गए थे उस टाइम पे, 1,00,000 व्यूज आ गए थे उस टाइम पे, और 53K लाइक्स थे सिर्फ 11 मिनट में। आप रिपोर्ट देख सकते हो, मैं स्क्रीन शॉट करके रखा हूँ। फिर आते हैं याद आती नहीं पवन सिंह के एक घंटे के अंदर 37,000 व्यूज हैं जो दिखा रहा है, और उस पे लाइक है 65,000 लाइक्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वहीं पे खेसारी भाई का गाना 59 मिनट के बाद, 59 मिनट में अनाज की मलकिनी 440K, ठीक है, 4,40,000 व्यूज क्रॉस किया था और 82K लाइक्स प्राप्त किया था, जो कि एक खेसारी भाई का जो रिकॉर्ड है तोड़ नहीं पाओगे आप सब। तो ये है दोनों गाना का डिफरेंस, वो आप लोग समझ सकते हो कि खेसारी का वो रिकॉर्ड जो है तोड़ना नामुमकिन एकदम, मतलब आपकी बस की बात है ये नहीं है। तो भैया यही रिकॉर्ड था, बाप कौन है, बेटा कौन है, पतोह कौन है, आप सबको पता चल गया। इसमें बात विवाद करने वाली कोई बात नहीं है। भैया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी मार सकते हो, और वीडियो में जाके कमेंट करो भैया ये जो सच्चाई है आप तक पहुंची है तो भैया इससे सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब मारो, उसके बाद में वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलना। चलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही है, अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में वीडियो बनाएंगे।